हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.5 के सॉल्यूशन को। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल है, एक ब्लू रंग का सर्कल दिखाया मैंने, एक ब्लैक रंग का, जो एक दूसरे को बी और सी पे काटते हैं। बोला गया थ्रू बी टू सेगमेंट ए बी डी, ए बी डी और पी बी क्यू, पी बी क्यू ड्रोन इंटरसेक्ट द टू सर्कल। पहले हम इन दोनों को ही बना लेते हैं। ठीक है, पहला कोण है ए बी डी और दूसरा कोण है पी बी क्यू। ठीक है फ्रेंड, आगे पढ़ो। इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओ डी, सॉरी ड्रोन टू द इंटरसेक्ट द सर्कल ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव करो कि एंगल ए सी पी, ए सी पी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है क्यू सी डी के, क्यू सी डी इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये बात सिद्ध करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों पॉइंटों की जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। बेसिकली फ्रेंड, अगर क्वेश्चन में एक्स की शेप बनती हो तो कौन सा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, या फिर एक दूसरे का जो उल्टा इमेज बनाता है ना, ठीक है, इसका रिवर्स। अब इसका रिवर्स कौन होगा ये, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिखूंगा एंगल पी बी ए इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के, रीजन में लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिखूंगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और इसको नंबर दे दिया 1। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड ये जो डायग्राम बड़ा उलझा हुआ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इजी बना लेंगे। ठीक है, पहले मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया और इसके साइड में छोटे वाला ट्रायंगल बना लिया, दोनों बना लिए। देखो फ्रेंड, ये मान लो मेरी आर्क है, कौन है आर्क, जो मैंने थोड़ी सी दिखाई है डार्क करके, पी और ए। फ्रेंड, मैंने आपको 10.9 थ्योरी में कराया था एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट, तो मैं लिखूंगा एंगल पी बी ए, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी पी, ए सी पी बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट। दूसरे वाला है, इसको ही बना लेते हैं हम। जैसे मान लो ये पॉइंट मेरा D है और ये Q है, ये मेरी क्या मान लो आर्क मान लो। ठीक है, अब इस आर्क में एक एंगल तो मेरा ये बन रहा है B D B Q, ठीक है, और दूसरा एंगल ये बन रहा है Q C D। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट। मैं लिखूंगा Q C D इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के। ठीक है, और दोनों में रीजन क्या आएगा, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, एक वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया। ठीक है फ्रेंड, देने के बाद फिर मैंने लिखा फ्रॉम 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2, 3 से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ लिया मैंने पी बी ए इक्वल है क्यू बी डी के। ठीक है फ्रेंड, क्यू बी डी देखो, क्यू बी डी किसके इक्वल है, क्यू सी डी के, क्यू सी डी के। ठीक है फ्रेंड, और पी बी ए, ये रहा पी बी ए, ये पी बी ए, ये पी बी किसके इक्वल है, ए सी पी के, ए सी पी के। तो देखा जाए तो फ्रेंड, ये चारों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चारों एंगल एक दूसरे के हैं। ठीक है, बट मेरे को ज़रूरत किसकी है, ए सी पी, ए सी पी और क्यू सी डी, ये रहा ए सी पी और ये रहा क्यू सी डी। ठीक है, इसको चाहो तो नंबर 4 लिख सकते हो, लिख देना फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 समीकरण 4 से। चारों इक्वल है तो इन दोनों को अलग से निकाल के लिख दो, ए सी पी इक्वल है क्यू सी डी के। यही बात प्रूफ करनी थी जो मैंने प्रूव कर दी। ठीक है फ्रेंड, देखने में बड़ा मुश्किल लगता है सवाल, लेकिन है बड़ा आसान सा। ठीक है, अगर हम इसकी फिगर को अलग अलग कर लें तो। ठीक है फ्रेंड, तो
यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय बाय, थैंक यू।